बुआई घटने और पाइपलाइन खाली होने से धनिए की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। हाजिर में पिछले एक साल में करीब 50% भाव बढ़े हैं। धनिए की बुआई कम बताई जा रही है और करीब 20-25% कम रहने का अनुमान है। धनिए का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी करीब 15% कम संभव है। वहीं राजस्थान और गुजरात में धनिए की बुआई कम हुई है। मध्य प्रदेश में भी धनिए की बुआई घटने की आशंका है। भाव ऊपर होने से अभी एक्सपोर्ट डिमांड कमजोर देखने को मिल रही है। उधर वेडिंग सीजन में मांग मजबूत होने से कीमतों को सपोर्ट मिला है। वहीं NCDEX पर 31 दिसंबर 2021 यानी शुक्रवार के दिन साल 2021 के आखिरी सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन धनिए में जोरदार उछाल देखने को मिला। जो धनिया 8,400 पर कारोबार कर रहा था, वही धनिया 4% के ऊपरी सर्किट के साथ 8,800 के लेवल पर कारोबार करते दिखाई दिया। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक धनिए में आगे तेजी का ही रुझान है। 2022 में धनिया काफी अच्छा मुनाफा देता नजर आ सकता है। धनिया उन कम्युनिटीज में शामिल हो सकता है जो 2022 में काफी अच्छा मुनाफा देंगे। अजय केडिया के मुताबिक धनिया वायदा बाजार में 2022 के शुरुआत में 12,000 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।